ज्योतिष आचार्य जी, कई घरों में आर्थिक संकट देखा जाता है और रामनवमी के दिन वो क्या टोटका करें जिससे आर्थिक संकट उनके घरों से दूर हो जाए और भगवान बजरंगबली की कृपा और माता लक्ष्मी की कृपा उनके घर में हमेशा बनी रहे। हर हर महादेव, जय बाबा विद्यनाथ। इस बार रामनवमी जो है वह 17 अप्रैल बुधवार को पड़ रहा है और उस समय बुधादित्य योग भी रहेगा, तो ऐसे योग में यदि आप अपने किचन में, रसोई घर में कुछ छोटा सा टोटका करते हैं तो आपके घर में अन्नपूर्णा माई की कभी कमी नहीं होगी, आपके रसोई से लक्ष्मी कभी खाली नहीं होगी। तो करना क्या है, आप रसोई में स्नान वगैरह करने के बाद कोई बर्तन में, कोई धातु में एक कपूर रखें और उस पर एक लौंग रख करके उसको जलाएं। यदि आप अपने रसोई में कपूर के ऊपर लौंग रख करके जलाते हैं, ऐसे तो जलाने का प्रत्येक दिन है, यदि आप रसोई में प्रत्येक दिन जलाते हैं तो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होकर के सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा। लेकिन आप रोज यदि नहीं कर पाते हैं तो विशेष संयोग जब लगता है, इस बार बुधवार को जो रामनवमी पड़ रहा है, तो उस दिन यदि आप कपूर और लौंग अपने रसोई घर में जलाते हैं तो आपके घर में अन्नपूर्णा माई भरपूर होगी और आपके घर का नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होकर के सकारात्मक ऊर्जा चारों तरफ विकसित होने लगेगा, प्रदर्शित होने लगेगा और आपके घर में सुख और समृद्धि सदैव बनी रहे। हो सके तो रामनवमी के दिन आप ऐसा मंदिर में जाएं जहां राम दरबार का मंदिर हो, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और साथ में हनुमान जी, सीता माता गद्दी, राम जी और सीता माता दोनों गद्दी पर विराजमान हो, हनुमान जी वहां बैठे रहें और भरत शत्रुघ्न दोनों तरफ से छंवर डुलाते रहे। जो राम दरबार का मंदिर है उस मंदिर में जाएं और अपना घर की सुख समृद्धि के लिए भगवान पीताम्बर धारी को पीले वस्त्र अर्पण करें, या मंदिर में आप पीला वस्त्र यदि चढ़ाते हैं तो उससे आपके घर में सुख और समृद्धि